हेलो फ्रेंड्स, किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पाइनएप्पल केसरी की रेसिपी। बहुत सारे जगह पे इसे पाइनएप्पल का शीरा, पाइनएप्पल का हलवा या पाइनएप्पल रवा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें जो है एक ही है और बहुत ही सिमिलर तरीके से बनाई जाती है। ये पाइनएप्पल केसरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी के लिए। पाइनएप्पल का हलवा या फिर पाइनएप्पल केसरी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक कुकिंग पैन चढ़ा दे, पैन को गरम कर ले। उसके बाद यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पे ये शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है मैंने। घी को पहले अच्छी तरह से पिघल जाने दे। उसके बाद यहाँ पे ये 1 कटोरी मैं सूजी डाल दूंगी। तो यहाँ पे ये बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है मैंने, जो हम नॉर्मली हलवे के लिए करते हैं। बस इस सूजी को हमें इसमें भून लेना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें और लो मीडियम फ्लेम पे हमें 8-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से सूजी को भूनना है। यहाँ पे सूजी को भूनने में आप जल्दबाजी ना करें। सूजी को बहुत ही अच्छी तरह से हमें अरोमेटिक होने तक लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। आप यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम या हाई ना करें। जैसे ही ये सूजी एरोमेटिक हो जाएगी और इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा, उसी के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूजी है वो हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये पाइनएप्पल का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल को सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो तकरीबन 1 कटोरी पाइनएप्पल का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है। यहीं पे 1 कटोरी मैं गर्म पानी डाल दूंगी इसके साथ ही। आप जिस भी कटोरी या कप से मेजरमेंट रख रहे हैं उसी कटोरी या कप से आप सारे मेजरमेंट रखें। तो यहाँ पे ये गर्म पानी भी डाल दिया है मैंने। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जब तक कि ये पेस्ट और गर्म पानी है ये सूजी जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना कर ले। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में ये जो सूजी है वो पूरा पानी और ये जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सूजी में। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखे और आप देख सकते हैं कि ये जो सूजी है इसने बहुत ही अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और आधे कप के करीब यानी आधे कटोरी के करीब, जिस कटोरी से मैंने जो सारे मेजरमेंट रखे हैं वो इस कटोरी से ही रखे हैं, गर्म पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सूजी है वो काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट टेक्सचर में आ चुकी है। तो अब हम इसके साथ ही यहाँ पे डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यहीं पर डाल देंगे तकरीबन आधे कटोरी के करीब पाइनएप्पल के बारीक कटे हुए टुकड़े। यहाँ पे ये पाइनएप्पल को बारीक कट करके डालने से क्या होता है ना कि जो हलवा का हम बाइट लेते हैं तो उसमें जो पाइनएप्पल का जो नेचुरल फ्लेवर और बाइट जो आती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो चीनी घुलने तक हमने यहाँ पे ये सूजी को पका लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये फूड कलर डाल देंगे। तो चुटकी भर फूड कलर को मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा था। तो यहाँ पे रवा केसरी या फिर पाइनएप्पल केसरी में मुझे ऑरेंज कलर यूज़ करना पसंद है। मुझे ऑरेंज कलर का पाइनएप्पल केसरी या रवा केसरी पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल किया है। पर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने या ना डालने से टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी के करीब किशमिश और 1/4 कटोरी के करीब यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आपके पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे जो ड्राई फ्रूट्स का नेचुरल क्रंच जो है वो ही काफ़ी अच्छा लगता है हलवे में। इसीलिए हमारा जो पाइनएप्पल केसरी है वो ऑलमोस्ट पक्के तैयार है अब। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें घी डाल देंगे। तो तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे घी का इस्तेमाल करें और इसे अच्छी तरह से मिला दें। तो लास्ट में घी डालने से क्या होता है ना कि हलवे पे ग्लेज जो है वो काफ़ी अच्छा आता है और इसका टेस्ट जो है वो और भी एनहेंस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पाइनएप्पल हलवे को या फिर पाइनएप्पल केसरी को ले चलते हैं सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये बाउल में रख के इसे सर्व कर दिया है थोड़े से पाइनएप्पल पीसेस और थोड़े काजू के साथ। तो आप भी इस तरह से पाइनएप्पल केसरी या पाइनएप्पल हलवा की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।